चुका है तो फाइनली जाने का टाइम आ चुका है वापस। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, कैसे तुम लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है सैटरडे, इट्स 19th ऑफ फरवरी। प्लान था कल जाने का 20th को संडे को, बट कुछ सीन चेंज हुआ। हमने सोचा दोपहर को ही निकलने वाले हम लोग, एंड अभी सुबह के बज रहे हैं अराउंड 10:30-11। तो ये शायद आखिरी बार मैं इधर खड़े होकर शूट कर रहा हूँ, एंड हम लोग आज पूरा दिन जर्नी कवर करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरी रोड ट्रिप है 12 घंटे की, अराउंड रात को पहुँचेंगे हम लोग। निकलने वाले हैं दोपहर में, लंच के बाद, सो लगा लो 1-1.5 बजे के आसपास। तो यस, लेट्स गेट इन द वीडियो, लेट्स बिगिन द व्लॉग। तो मेरा भी रूम आप लोग देख सकते हो, पूरा वो हो चुका है ऑलमोस्ट, सब लोग सब कुछ पैक हो चुका है, सारे सूटकेस लगेज वगैरह सब चले गए हैं, एंड बस ये फाइनली बैग पैक कर रहा हूँ। गोप्रो है मेरे पास, गिम्बल भी लूंगा पावर बैंक उठा के, एंड वी विल बी गोइंग। तो हॉल अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, सारी पैकिंग हो चुकी है, ये वाला लगेज बाद में आएगा, एंड हाँ ऐसा कुछ हो गया है, सारा सब सेटअप चला गया। बाहर भी बैग्स पड़े हैं, ये भी बैग जा रहे हैं, इधर भी बैग्स हैं, तो मतलब समझ ही रहोगे 4 मंथ्स हम लोग रुके, तो कितना सारा सामान था उस हिसाब से लेके जाना है। 2 कार्स हो रही हैं, एक में हम लोग आज जाने वाले हैं, एक बाद में एक इनोवा, एंड हम जा रहे हैं ऑल्टेस में। आप लोग को बहुत पहले दिखाई थी, वो चली नहीं बिल्कुल, तो आज उसमें जा रहे हैं। तो नीचे चलते हैं हम लोग, सामान आ रहा है धीरे धीरे करके, एंड एक बार सेटअप देख लेते कैसे कैसे है, दिखा देता हूँ आप लोगों को भी, एंड फिर लंच करना भी जाना है, तो मिलता हूँ गाइस। ब्रॉडी को मिस करेंगे हम लोग, है ना, ब्रॉडी भी मिस करेगा हमें। एंड गाड़ी है ऑल्टिस, टोयोटा ऑल्टिस, एंड आप देख सकते हो सामान भी आ रहा है। मैं पीछे बैठने वाला हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कैसा सिस्टम है पीछे का। देखो पैक तो होने वाला हो सिंपल, लेकिन स्टिल सामान ऐसे भर गया है। ओके गाइस, सो इट्स लंच टाइम, चलते हैं ऊपर, आलू पूड़ी बनी है, मस्त लंच करके निकलते हैं हम लोग। ओके, तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू गो, अब जाने का टाइम आ चुका है, तब सीधा गाड़ी में मिलूंगा निकलने के बाद, कुछ देर सेटल होने के बाद, बिकॉज यू नो थोड़ा सा होता है ये गाड़ी बैठने बाद। तो यस, दिस वाज आवर जर्नी, अब वापस की जर्नी है, तो चलते हैं। ओके गाइस, गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग, निकल चुके हैं अब मनाली से, एंड 12 आवर्स के आसपास की जर्नी होने वाली है, काफ़ी लंबी, 4 मंथ्स के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं, तो एंजॉय करना। सिनेमैटिक्स देखा हूँ, बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड अभी बज रहे हैं 1:01, तो 1 o'clock हो रहे हैं, देखते हैं रात को कितने बजे पहुँचते हम लोग। तो हमारी गाड़ी उधर खड़ी है और आप लोग देख सकते हो हम लोग कुल्लू की तरफ, कुल्लू तक पहुँच गए। तो ये भुंतर एयरपोर्ट है, और मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो पूरा रनवे है यहाँ से लेके, पूरा ऐसे करके रनवे है और ये जा रहा है पूरा, तो जस्ट दिखाना था। ओके, तो अभी हम लोग एक टनल के अंदर है, एंड काफ़ी अच्छी खासी टनल है पूरी, एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टनल्स इन दिस रूट। तो काफ़ी मतलब एकदम पत्थर वत्थर है, पूरा डार्क है, अच्छा खासा डार्क है, एंड लंबी है, ठीक ठाक लंबी है। इस टनल का नाम है ओट टनल, ठीक है, ओट टनल। सारी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारी टनल्स बन रही है पूरी, इस पर मिट्टी विट्टी पूरा उड़ रहा है, जेसीबी वगैरह, तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड शायद एक पूरा हाईवे बनाएंगे, पीछे आप लोग देख सकते हो। ये देख रहे हो गाइस, मैं एक ब्रिज पे आया हूँ अभी जस्ट, तो पीछे पूरा पानी है इस साइड पे, और मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हो, मस्त ब्रिज है, बहुत ऊपरी है। तो मैं जस्ट आया हाईवे पे, हम लोग उसके जाते रुकूंगा नहीं इधर, बट ऐसे एक फ़ोटो लेने के लिए आया था जस्ट, तो फटाफट फोटो लेते और फिर मिलता हूँ। ब्रिज हिलता है, पता है ठीक ठाक हिलता है, बीच में जाओगे ना तो पता लगेगा हिलता है अच्छा खासा। हे
देख रहे हो कितनी सुंदर फॉल है, पूरी काफी लंबी फॉल है एंड ये पूरा आप रिवर तो देख ही सकते हो, बहुत सुंदर है। पता है पूरे रोड जो है, पूरा जो हाईवे कह सकते हो, कवर्ड है पूरा माउंटेन्स के आजू बाजू। और इस साइड भी मैं जैसे कि बता रहा था, पीछे वाले जो ये वाले पहाड़ है सारे मतलब पूरा कवर्ड है, ये देख सकते हो फॉल को आप। गाइस ये देखो, हम लोग ने अभी एक टॉफी खरीदी, तो पल्स खरीदी हमने, लेकिन ये देखो इसका नाम कैसा नाम है, बीट्स। तो ये सेम कॉफी टॉफी एकदम कॉफी बनाई है पल्स का तो टेस्ट में भी एकदम डिट्टो है देखो बिल्कुल। उस साइड पे आप लोग देख सकते हो पूरा ट्रैफिक हो चुका है, दोनों साइड से गाड़ी आ रही है, इस साइड से भी आ रही है, इस साइड से भी आ रही है, पूरा पैक हो चुका है। हम भी बस चल ही रहे, इस साइड भी ट्रैफिक है, खूब जबरदस्त जो है जैम पैक हो चुका है, क्योंकि शायद आगे रोड वोड बन रही है तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ओके तो अभी हो रहे हैं अराउंड 5:30 शाम के एंड हम लोग अभी भी चल रहे हैं एंड हम लोग अभी हैं कहाँ पे, स्वार गार्ड ना, सुंदर नगर में गए थे अभी एंड बहुत सारा रास्ता पड़ा है तो थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड अच्छा प्लेजेंट वेदर हो रहा है, अब तो ठंड नहीं है, नीचे तो ठंड नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट रात होने वाली है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो एंड अभी भी हिल्स खत्म नहीं हुई है एंड हम लोग अभी बिलासपुर पहुंचे, इसके बाद स्वार घाट आएगा, उसके बाद प्लेन स्टार्ट होंगे, तो काफी टाइम लगने वाला है एंड कितने बज रहे अभी, एग्जैक्टली 6:30 हो रहे हैं, सो लगा लो 6 hours और लगने वाले कम से कम, क्योंकि इतना डिस्टेंस है और दिल्ली के लिए एंड देखते कैसी जर्नी रहती है। मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ, लेटा हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो मिलते रहेंगे, अपडेट देता रहूंगा। गाइस फाइनली डोमिनोज दिखा हमको इतने दिनों बाद, अब घर जाके तो यही दिखने वाला है, लेकिन हाँ फाइनली दिख गया, मनाली में नहीं है डोमिनोज। ओके गाइस तो अभी हो रहे 8:30 एंड फाइनली हम लोग अभी प्लेन हिट किया है एंड यहाँ से भी कम से कम अप्रोक्सीमेटली 5-6 hours का वो है और मैं लाइट के साथ में शूट कर रहा हूँ कैसे भी करके, तो बस लेटे हुए थे इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं किया अभी एंड बीच में अपडेट करता रहूँगा, ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ चल रही है जर्नी, अभी तो आधी खत्म हुई है लगा लो, अभी तो माउंटेन्स खत्म हुआ है, अभी हाईवे अच्छा आ गया है, अच्छी स्मूथ रोड है, अभी पहले तो अम्बाला तक पहुँचना है, उसके बाद फिर दिल्ली देखते हैं। ओके तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:20 और हम लोग सिटी में तो नहीं, लेकिन हाईवे पे एक हवेली थी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे KFC बर्गर किंग वगैरह है, तो स्टिल हम लोग आ चुके हैं, प्लेन सेट कर दिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है एंड यही दिक्कत है कि अब जाने में यहाँ से भी कम से कम अगर हम लोग अभी जाएंगे तो 4-5 घंटे लगने वाले हैं घर, तो अभी वही डिसीजन लेना है, डिनर करने के बाद लेंगे दैट हम शायद चंडीगढ़ ब्रेक लें या नहीं लें, क्योंकि नहीं तो डिपेंड करता है बाकी एंड देखते हैं अभी क्या सीन रहता है, मैं अपडेट कर दूंगा, अभी मोस्ट प्रॉबली मैं KFC खाने वाला हूँ, बाकी देखते हो तो ड्राइव थ्रू भी बर्गर किंग का तो भी हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं एंड देखते हैं, काफ़ी टाइम बाद बर्गर किंग और KFC देखने को मिला है, बट हाँ बास्किन रॉबिन्स भी इधर। ओके तो अभी हम लोग का KFC आ गया, मैंने लार्ज पॉपकॉर्न ले लिए और चिकन की बकेट ले ली है, ये ख़त्म करते हैं उसके बाद CCD से कॉफ़ी लेके चलेंगे, मम्मी ने डोसा वगैरह खाया, पापा भी शायद बर्गर किंग लेंगे, पता नहीं क्या लेंगे, मैं ये खाने वाला हूँ एंड अब गाड़ी में जा रहे, गाड़ी में ही खाऊंगा, टेक अवे कर लिया था तो मिलता हूँ। ओके तो CCD से हमने कोल्ड कॉफ़ी ले ली है एंड अब जाने का टाइम है, अब निकलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ, खींचना है पूरा लंबी लंबी जर्नी वापस से, हमारा ब्रेक इज़ ओवर, चलते हैं गाड़ी की तरफ, मिलता हूँ तुम्हें। ओके गाइस तो अब अगले पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ से अराउंड 200-250 किलोमीटर्स के आसपास जाना है एंड काफ़ी कितने 10:30 हो चुके हैं, तो यस कॉफ़ी ले ली है, चलते हैं अगली जर्नी, फाइनल जो पड़ाव है हमारी पूरी उसका, ट्रिप का या रोड ट्रिप का या ड्राइव का जो भी कह लो, तो ये टू कर रहा है, मिलता हूँ। Thank you.
तो फाइनली पहुंच गए हैं, अभी हो रहे हैं 2:30 एंड फाइनली घर पहुंच गए पूरी प्रॉपरली। एंड अभी देखते हैं सामान अभी लेके जाना है, सुबह लेके जाना है और बहुत मेहनत कर, मैं तो सो गया था अभी जब से वहां से निकले था हवेली से, तो मैं तो सो गया था, बट फाइनली पहुंच गए एंड हो रहा था ब्रेक लेने का लेकिन नहीं लिया। एंड 2:30 की मतलब अराउंड 13.5 आवर्स लगे हमको टोटल विद ब्रेक, पहुंच गए और आते ही मच्छर दिख गए हमको दो। गाइस फाइनली रूम में घुसते हुए अपने, और हाँ ये रही हमारी प्यारी प्यारी टेबल, इसे पड़ी बॉल क्या कर रही है, लाइट है और सब कुछ सेट है। अब इसको आके मतलब कल सुबह पूरा सेट करेंगे, ये सब रख देते हैं। लंबी जर्नी के बाद मेहनत करने के बाद आज नींद बहुत जबरदस्त आने वाली है, तो सीधा सुबह मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल एंड दिस व्लॉग राइट हियर, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, नए हो तो कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स, और डेली के व्लॉग्स कंटिन्यू होते रहेंगे, डोंट वरी डेली व्लॉग्स आएंगे। सो आई विल बी टेकिंग दिस, आई विल एंड दिस व्लॉग राइट हियर, बाय बाय।